हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। कोल इंडिया लिमिटेड के तरफ से एक नोटिस आया है, जो रिक्रूटमेंट आया था 3/2022 उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आई है, जिसमें इसमें बताया गया है कि सीट कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप में से बहुतों को पता चल गया होगा, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले नोटिस आ चुका था। बट इसके वजह से आपको कितना और ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या आपके कट ऑफ पे इम्पेक्ट आएगा, ये सारा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, और कितना सीट कम हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं 8 जुलाई को नोटिस आया हुआ है, जिसमें सबसे कम सीट जो है पर्सोनल एंड एचआर का ही कम किया गया है। ये पहले 138 सीट था, अभी कर दिया 56, यानी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। उसके बाद भी आप ये सोचिए कि जो PSU HR का वैकेंसी आती है, उसमें भी 56 बहुत ज़्यादा है। और ये आपको सोचना है कि आपको सिर्फ एक सीट लेना है, उस आपको अपने खुद के एक सीट के लिए फाइट करना है, इसलिए वैकेंसी कम ज़्यादा से डरना नहीं है। और अच्छी बात है, ये अभी वैकेंसी जो नोटिस है, ये वैकेंसी कम होने की ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि देखिए PSU बहुत सारा PSU का देखे हैं वैकेंसी जो है, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, जो कि वैकेंसी तो आ जाती है, बच्चे एग्जाम देते हैं, फाइनल एग्जाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ, उसके बाद जब रिजल्ट इनको देना होता है फाइनल, उस समय बोल देते हैं कि रिक्रूटमेंट सीट जो है हमने कम कर दिया था। तो उस समय तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि 38 सीट पे आपका रिक्रूटमेंट हो जाता, और बाद में 56 सीट पे उन लोग फाइनल कट ऑफ निकाल देते, तो अब तब तो बहुत दुख होता। अभी 56 कर दिए हैं, पहले ही फॉर्म भरने से पहले ही ये दे दिए, यानी मतलब फॉर्म भरने के डेट से ही ये बता दिए हैं कि हमारे पास 56 सीट है। तो ये अच्छी बात है कि इतने पे लेने वाले हैं, आप पहले से अवेयर रहेंगे कि 56 सीट है और मुझे कितना मेहनत करना है। ओके, तो देखिए पर्सनल एंड नेचर का ही बता रहा हूँ, 56 से बाकी का तो मुझे लग रहा कि लगभग सेम है। मटेरियल मैनेजमेंट का तो जितना था उतना ही है। एक चीज़ और बात यहाँ पे लिखी रहती है, वो आपको मैं बता दूँ, बाकी आप लोग का जो भी ब्रांच वो देख लीजिएगा, सीट कम हुई है ज्यादा हुई है। एक देखिए हमेशा लिखा रहता है, द अबव वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है कि इनकी बाद में रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो 56 सीट से ज्यादा भी हो सकती है, कि ठीक, क्योंकि कम तो हो गई है, जो कम करना था उनको कर दिया। तो ये हमेशा एडवर्टाइजमेंट में रहता है, इसको जैसे PSU बाद में जाकर कम कर दीजिए। NTPC का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, तो NTPC दो दो बार इंटरव्यू लेने के बाद अपना रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दिया है। PSHR की बात कर रहा हूँ, ETHR का जो एग्जाम होता है, वो इंटरव्यू के बाद दो बार रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी है, जो 25-20 वैकेंसी निकालती है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन कोल इंडिया में ऐसा नहीं है। तो पहले सीट अगर कम हो गया तो वो अच्छा है, आप समझ लेंगे कि आपको मार्क्स कितना लेना है। तो अब मैं बताता हूँ कि कट ऑफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और न्यू कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, तो न्यू कट ऑफ आपको मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनरिजर्व, अनरिजर्व का ये 2020 का पहले कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बेस पे मैं बताऊँगा अभी का कट ऑफ 142 कट ऑफ था 2020 में, और सीट कितना था 89। ठीक है, अभी क्या है 2022 है, सीट कितना हो गया 56, कट ऑफ कितना जाएगा अनरिजर्व का 148। ठीक है, 148 कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, आप इसको प्लस माइनस 3 पकड़ेंगे, ठीक है, सभी में। उसके बाद SC का कट ऑफ जो है वो 2020 में था 131, इस बार कट ऑफ जो है वो जाने की उम्मीद है 138। ठीक है, ST का कट ऑफ था 130। ठीक है, इसको मानकर चलते हैं कि ये जाएगा कट ऑफ 136। ओके, OBC का कट ऑफ की बात करते हैं, OBC तो OBC का कट ऑफ था 134, तो इस बार जाएगा इनका OBC का कट ऑफ 144। ओके, इतना कट ऑफ जा सकता है। और बात करें EWS की, क्योंकि EWS की वजह से OBC का कट ऑफ थोड़ा सा हाई अभी जा रहा है, देखने में भी आता है। EWS
जो 2020 में था वो तो नहीं था EWS, ठीक है। तो इस बार EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो हो सकता है 142, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ आपको, जैसे इसके पहले मैं बताया था कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा, तो 142 के जगह 138 135 ही बताया था मैं, और उतना ही जाता है, 138 सीट रहता तो, लेकिन अभी कट ऑफ 148 अनरिजर्व का जा रहा है, ओके। और PW2 जो कैंडिडेट होंगे उस इससे भी 10 मार्क्स कम समझ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उस पर PWD का कट ऑफ शो नहीं किया गया था, तो मैं नहीं बता सकता। जो शो किया गया था ये ओरिजिनल है, उसी के बेस पे अभी बताऊँ। अब सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर तो आप 160 टारगेट रखिए, 160 प्लस, 160 प्लस आता है तो आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अभी इसमें, तो 1:3 के रेशियो में आपको बुलाने वाले हैं। तो मतलब 3 स्टूडेंट को बुलाएंगे तो उसमें एक स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करके फाइनल रखेंगे, कट ऑफ जो है यही रहेगा। तो सेफ स्कोर 160 पकड़ कर चलिए। एक मेरे स्टूडेंट थे पहले, ठीक है, आप उनका वीडियो भी देखते होंगे, आलोक कुमार, तो उनका कट ऑफ जो था अनरिजर्व में जो 2020 में 142 था, उनका मार्क्स जो था 146 आया हुआ था और फाइनल सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छा गया था, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितने में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सेफ स्कोर अभी अभी भी आपके पास 2 महीना टाइम है, ठीक है। तो 160 प्लस आप स्कोर करने की टारगेट रखिए, स्कोर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, पर्सनल और एचआर का आप लोग को पता है कि हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, क्लास चल रहा है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो और बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से पेपर 2 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसमें अब पेपर 1 का प्रीवियस ईयर लाइव क्लास में स्टार्ट कर दिए कि प्रीवियस ईयर पेपर जो होगा वो लाइव क्लास में डिस्कस होगा। और पेपर 1 का हमारे पास अभी फिलहाल तो कोर्स नहीं है, बट पेपर 1 का MCQ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे, और ट्यूटलेज एकेडमी का जो चैनल है, आप इस चैनल पे बने रहिए, पेपर 1 का जितना MCQ पॉसिबल होगा उतना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी आता है तो आपको अपडेट करते रहेंगे, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपको दूसरे वीडियो में मोबाइल नंबर जो है कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 9667979748, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी हो तो ऐसे इंक्वायरी आपको ज़्यादा नहीं रहेगी, आप इंट्रो वीडियो देखेंगे, कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे जाके, तो आपको सारा चीज़ समझ जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन करके और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना होना उतना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा भी रिस्क आपको नहीं लेना है। अब आपको ये भी पता चल गया कि आप जो सोच रहे थे उससे 10 मार्क्स 15 मार्क्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, बस यही दिक्कत है कि जितना सोच रहे थे 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो सीट का टेंशन मत लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।